सो हाय गाइस, मैं आपका स्वागत है। आज क्या क्या करने का आप लोग देखेंगे। अच्छा लगा यदि लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सब लोग बिजी है और पापा यहाँ पे मूंगफली खा रहे हैं और यहाँ पे मम्मी रसोई कर रही है। खाना बना रही। हाँ खाना। मम्मी आज क्या बना है? आज कुछ नहीं बनाया है, मटर का सब्जी है तड़का और फिर आलू का दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। आलू का दाल बनाने वाली हूँ आज। इसको रख दिया, ये बाहर चावल होने को आया। देखो थोड़ी देर में चावल बन जाएगा हमारा। पापा गए थे कैंटीन पे गुब्बारे लगाए हैं। आज जो बच्चे हैं हमारे नहीं है, हमारे यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं हम उनको बांटेंगे गुब्बारे। आप तो आज देंगे, आप लोग देखते रहिए। नजर में डालना। तो दोस्तों देख सकते हैं आज नंदू जो है आपका वेलकम किया बच्चा है। तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब शूट करने के लिए उसको इंटरेस्ट आ रहा है अभी। तो जो काम है हम बोले थे कल कैटरिंग का काम मिला है, तो प्रभा प्रकाश और उसका पापा मिलके उसका काम कर रहे हैं। सारा पानीपुरी को सही कर रहे हैं, शाम को जाएंगे लेके। और प्रभास को जो है कल से बुखार चढ़ा है और उसका बुखार अभी तक नहीं उतरा। और खाना जो उसका पापा का भी बुखार है तो मुंह सही नहीं है, तो खाना इसलिए ज़्यादा नहीं बनेगा। आज कोई रेसिपी नहीं डालने वाले हम, थोड़ा सा नाश्ता का रेसिपी शेयर करेंगे शाम को। और जो है चलिए वीडियो देखते रहिए, मज़ेदार आज होने वाला है वीडियो, बहुत मज़ेदार। आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा सा कपड़ा पड़ा धो रहे हूँ, पानी आ चुका है। बता दूँ यहाँ पर जो पानी आता है वो 300-350 के बीच आता है। तो हमने पीछे में मेरा देख सकते हैं टंकी बिठाया हुआ है, तो पानी जब आता है हम इसी में भर के रख लेते हैं, फिर सारा दिन अपना काम करते रहते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो देख सकते हैं ये है कच्चा केला। तो जो लोग पानीपुरी में आलू नहीं खाना पसंद करते हैं, मतलब हेल्दी वो लोग मानते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कढ़ाई गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें जो है जीरा डाल देंगे। डाल दिया मैंने जीरा, देंगे थोड़ा सा हमने जीरा डाला है। पानी पूरी है तो थोड़ा तीखा बनेगा, तो इसमें दे देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा और डाले चिली फ्लेक्स। इसको भूनने देंगे। हमने जीरा चिली फ्लेक्स डाला हुआ है, इसमें नमक हल्दी सब डालेंगे। मैंने लाल मिर्ची नहीं डाला, आप देख सकते हैं मैंने लाल मिर्ची नहीं डाला, चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मटर, इसमें डाल देंगे हल्दी, आधा चम्मच जितना हल्दी डाला। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, तो मेरे को लगता है 1 चम्मच जाएगा, थोड़ा सा डाले। ये दोनों तीनों चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर भी डालेंगे बाद में, थोड़ा सा भून ले फिर उसके बाद डालेंगे। तो अभी डाल देंगे हम केले को, देखिए इस तरह मैश करके रख लिए थे। जो लोग आलू खाना पसंद नहीं करते हैं और फिर पानी पूरी खाना आपको पसंद है,
आता पास इस तरीके से भी खा सकते हैं। पता तो उनको आलू नहीं खाना है, फिर भी उनको पानी पूरी खाना है, तो उनके लिए हम इसे बना रहे हैं। अच्छा से इसको मिलाएंगे सारा चीज़ को, नमक मटर हल्दी, फिर इसमें जीरा धनिया का पाउडर भी बाद में डालेंगे। जीरा जो धनिया है वो भुना हुआ है, पहले से हम भून के रखे हैं। मिलाएंगे अच्छे से, तो इसमें जो है देखिए भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर, तो इसमें थोड़ा अंदाजे से डाल देंगे। तो मैंने 2 चम्मच जितना डाल दिया। और केला जो हमारा था, कितना केला लाया था, 1 मिनट में भूल चुकी थी, हाँ 8 केला है, थोड़ा मीडियम बड़ा साइज का है, देख सकते हैं। इसमें जो है इतना बड़ा बड़ा केला है 8, इसी का हिसाब से हम मसाला डाले, ये 8 केला का मैश है। थोड़ा भूनेंगे अच्छे से, कच्चे केले का है आलू जैसे मैंने बना दिया, और इसमें सब डाला है, मटर वटर जैसे पानी पूरी का मसाला डालता है वो सब डाल दिया। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और गैस को कर देंगे बंद। हो गया हमारा हरा धनिया, हम इसमें डाल देंगे, डाल दिया सारा हरा धनिया अच्छे से, और इसको एक बार चला लेंगे फिर गैस को बंद कर देंगे। तो ये है पानी पूरी पेशल, और पानी भी जो है उड़ीसा में 1 तरीके का पानी बनता है, पर मैं 2 तरीके का पानी बनाता हूँ, एक है मीठा पानी एक है खट्टा पानी। मीठा पानी का वो रेसिपी आपको दिखाई नहीं दिखाएंगे कभी, तो इसको बंद कर देंगे, ठंडा होने के बाद ये अपने आप कढ़ाई से छूट जाएगा। तो थोड़ी देर गैस को कर देंगे बंद फिर निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली रुद्र 3 दिन के बाद हमारे घर में आया हुआ है, और हम जो है रुद्र का शूट निकाल रहे हैं अभी। और रुद्र जो है अभी फाइनली थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, देखिए चल नहीं सकता, 4 पैर वाला हो चुका है। देखिए उस दिन तो उठने की कोशिश कर रहा था, तो आज तो वो चल पा रहा है, भागने वाला हो गया रुद्र। रुद्र जो है हमारा पड़ोसी है। रुद्र बेटा, रुद्र रुद्र ए रुद्र पटुका पटु ए आंटी पकू आंटी पकू हाँ से एटी 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 दे दो उसको, दे दो प्रभास उसको गुब्बारे दे दो। तो जो है देख सकते हैं हम बहुत सारे गुब्बारे घर में लगाए हुए हैं उसका। रुद्र जो है गुब्बारा भी है, तो देखिए बहुत सारा गुब्बारे लगा के रखे हैं। 15 अगस्त को हम लोग बच्चे को बांटने वाले हैं, इसलिए बहुत सारा गुब्बारा घर में लगाए हैं, 2-3 दिन लगेगा। अरे रुको तो ऐसे क्या कर रहा है, ओ अच्छे से करो, उधर जाके करो, पीछे में करो, रुद्र के पीछे उधर जाओ थोड़ा और पीछे, नहीं फिर से नहीं आ रहा, हाँ ठीक है करो 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 करो। तो नंदू जो है थोड़ा परम सुंदरी कर रहा है आपके लिए, थोड़ा प्रोमो था वीडियो डाला नहीं, तो लोग कर रहे रुद्र के साथ मस्ती। गुब्बारे उसको दे दो, फोड़ देगा तो कोई बात नहीं, दे दो उसको, दे दो चल, ओ डर नहीं जाएगा, दे दो थोड़ा सा, वो खुद ही गुब्बारा फुला रहा है और खुद ही डर रहा है, इस वजह से उसको हाथ में नहीं दे रहा है, तो देने के बाद फोड़ रहा है और डर रहा है। हाय गाइस, आज का ब्लॉग यहाँ पे ही लगता है, तो मैं आज एंटर दिया था, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो मम्मी कल सुबह ब्लॉग बनाएगी, तो मिलते हैं जल्दी कल, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सो मिलते हैं कल, बाय।